प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर आपके साथ फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 74। डेट आज 29 सितंबर, क्लास अगर 6वीं 7वीं और 8वीं। ये वीडियो तीनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। वीडियो SST की है, यानी कि सब्जेक्ट की बात करें तो ये रहेगी आपके लिए SST यानी कि सोशल साइंस। तो पूरी वीडियो देखने से पहले आप छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, आज की बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट है, ये है डेज। जी हाँ, आपका बर्थडे बहुत ही खास है, कब होता है वो आपको पता होगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका बर्थडे आपके फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप इस अपने जन्मदिन का इंतजार करते हैं। सेम उसी तरह महात्मा गांधी, आप जानते हैं इनका जन्मदिन कब आता है, 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन पूरा देश मनाता है, पूरा विश्व मनाता है, तो खास है इनका जन्मदिन। इसी तरह से कुछ और भी डेज हैं जिनको कि पूरा देश, पूरा विश्व मनाता है, इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि इस दिन, इन दिनों क्या होता है, कुछ डेज ऐसे हैं जो खास लोगों के लिए मनाए जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के लिए 2 अक्टूबर। इसी तरह से उनके कामों के लिए, उनके विचारों के लिए हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें वैल्यू देते हैं, कुछ संबंध जागरूकता फैलाते हैं। कुछ जो डेज हैं जैसे कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन, 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हम मनाते हैं इसे, आप भी मनाते होंगे, स्कूल में भी मनाते हैं, घर में उस महीने का कैलेंडर भी बनाकर टांगे, आपने एक कैलेंडर बनाना है। जो भी डेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपके मम्मी पापा का जन्मदिन कब आता है, वो आप हमें कमेंट में बताएं, और साथ में एक बोर्ड आपने टांगना अपने घर में, आपके भाई का बर्थडे कब आता है, आपके टीचर्स, कोई फेवरेट टीचर उनका बर्थडे कब आता है, या आपके गली में कोई रिलेटिव या कोई भी हो उनका बर्थडे आपके लिए कब आता है। तो पहला काम तो आपने यही करना है कि उनके सभी के डेज एक कॉपी में लिखनी है और वो सेंड करना है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं, और वर्कशीट का जो पहला पार्ट है वो ये देखिए आप, महात्मा गांधी जी। तो इन पिक्चर को देखते हैं, आजकल तो सभी की जेब में होते हैं महात्मा गांधी जी, नोटों में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला काम आपने क्या करना है, ये बॉक्स, एक पेज आप लेंगे, पेज में ऊपर आप महात्मा गांधी की फ़ोटो बना लेते हैं लेंगे, और काम क्या करेंगे, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ऊपर लिख देंगे महात्मा गांधी विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है, और नीचे देखो क्या लिखेंगे आप कि महात्मा गांधी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो उन्हें आपने लिखना है और चित्र भी बनानी है। तो चलिए मैं बताता हूँ महात्मा गांधी के बारे में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए ये रहा आपके लिए महात्मा गांधी के लिए, तो कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। आपने इसी तरह से महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, क्यों, कोई उन्हें बापू कहता है, पहला पॉइंट आप जोड़ दीजिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कोई उन्हें अहिंसा के पुजारी हैं क्योंकि वो हिंसा नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ आप लिखेंगे कि कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता के रूप में। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि गांधी जी ने सादगी भरे जीवन के साथ साथ कम से कम चीज़ों में अपना जीवन यापन किया, यानी कि आजकल हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिले, वो भी मिले, खाने को अच्छा मिले, पहनने को अच्छा मिले, सब कुछ हमें अच्छा मिले, लेकिन महात्मा गांधी जी जो है वो बहुत कम चीज़ों में, यानी कि जो मिल गया उसे ही उन्हें वो खा लेते थे। पांचवा पॉइंट देखो उनके बारे में, वो हमेशा शाकाहारी भोजन यानी कि सब्जी खाते थे, वो मांस का भक्षण नहीं करते थे। आगे छठी चीज़ें, वो अहिंसावादी थे यानी कि हिंसा नहीं करते थे, किसी को मारने पीटने में वो विश्वास नहीं करते थे और ना ही किसी को मारते थे। सातवीं चीज़ आप लिखोगे कि महात्मा गांधी हर धर्म, हर जाति के प्रति विशेष आस्था रखते थे। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, वीडियो को रोक करके आप पूरा इसे लिख सकते हैं। थोड़ी देर आप पहले पूरा समझ लीजिए कि आठवीं चीज़ है, गांधी जी ने हमेशा सत्य की राह पर वो चले, यानी कि झूठ नहीं बोला। उनके जीवन में कई कठिन मोड़ आए लेकिन उन्होंने कभी सत्य बोलना नहीं छोड़ा। अक्सर हम भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं ना, लेकिन गांधी जी ने कभी आज तक झूठ नहीं बोला। तो ये है आपके पास ये पूरा पेज, आप इसे वीडियो को रोक करके पूरा पेज लिख लीजिए, और जैसे आपका लिखना पूरा हो जाएगा तो हम आगे बढ़ें और वीडियो को प्ले करके फिर से हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी।
तो चलिए फिर से हम आ गए अपने उसी पेज पर, और यहाँ पर जो भी अभी अभी मैंने आपको बताया उसे इस पेज में लिखेंगे। आगे देख लीजिए, अगली जो एक्टिविटी है आपके पास वो है शिक्षक दिवस। तो प्यारे बच्चे, शिक्षक दिवस आपने मना लिया, आपने अपने टीचर्स के लिए कार्ड भी बनाए थे, सुंदर सुंदर से आपने ग्रुप में भी भेजे थे, मेरे लिए भी भेजे थे। तो बस आपने क्या करना है, एक सुंदर सा पेज लेना है और उसको इस तरह से देखो यहाँ पर कितने सुंदर पत्तियाँ बना रखी हैं। तो फूल पत्तियाँ बनानी है, आपने डेकोरेट करना है कार्ड की तरह, और क्या करना है कि शिक्षक दिवस कब था, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर पूरा लिखेंगे आप, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। अब ऊपर लिखेंगे क्या, अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें। तो जो भी आपको फेवरेट टीचर आपके हैं, जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। टीचर आपका उनका नाम लिखेंगे, कौन वो टीचर हैं, उसके बाद वो क्यों आपको अच्छे लगते हैं, उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, और वो आपको क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनके बारे में लिखेंगे एक पेज में, और बस इसे भी आप चिपका दीजिए, अपने ग्रुप में भेज देंगे। तो थोड़ी देर आप इस वीडियो को भी रोकें यहाँ पर, क्योंकि आपने ये वाला बॉक्स लिखना है, मैंने समझा दिया आपको। तो अपने टीचर्स के बारे में लिखेंगे और आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में 3 एक्टिविटी है। तीसरी एक्टिविटी देखो, यहाँ पर कुछ दिवस दे रखे हैं, यानी कि डेज, इंपॉर्टेंट डेज, रिक्त स्थान है, यहाँ पर कुछ ब्लैंक भी हैं, आपने उनमें भरना है कि वो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे ये डेज हैं जो कि हम और पूरा देश और पूरा विश्व मनाता है। तो सबसे पहले आप जान लो 1 जनवरी को कौन सा डे आता है। तो 1 जनवरी को आता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप इन्हें सभी को आप यहाँ से देख देख के लिखें, और जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर हम तीसरी एक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले तो आप यही ले लीजिए जो आपको करना है। तो यहाँ पर पहला काम है इन डेज को बाद में नोट करें, पहले आप यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको अपने ग्रुप में भी भेजना है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप गणतंत्र दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस भी इसे कहते हैं। और ये कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ 26 जनवरी, सन आपने कमेंट बॉक्स में लगना है। चलिए मैं बता दूं, 1900 के बाद क्या आता है, आप वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। अगला सवाल आपके लिए है, तो अगला डेज मैं सीधा आपको ले गया हूँ, ये ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, आपको लिखना है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी को जो डेज मनाया जाता है वो साइंस डे मनाया जाता है, लेकिन ये जन्मदिन पे नहीं, बल्कि उनकी खास एक उपलब्धि पे मनाई जाती है। और यहाँ पर आप नाम लिखेंगे क्या, सी वी रमन, यानी कि आप लिखोगे सीधा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसी तरह से लिख दीजिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और अगला है आपके पास बहुत ही इजी, अक्सर आप मनाते भी हैं इसे, 15 अगस्त। जी हाँ, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, तो ये आज़ादी का दिन होता है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो यहाँ लिखोगे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट किया ये, तो फिर से मैं बता दूं आपको, ये मनाया गया 15 अगस्त सन 1900, हाँ पूरा नहीं बताऊंगा इसे आपने, 1900। तो कब मनाया जाता, 15 अगस्त स्टार्ट कब किया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। और अगला आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है 14 नवंबर, यानी कि बाल दिवस। तो अपनी कॉपी में आपने इन्हीं 4-5 दिनों को लिखना है, 14 बाल दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका चाचा नेहरू, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे आप चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम से नहीं बल्कि बाल दिवस के रूप में अपने जन्मदिन को मनाने का फैसला लिया। तो
तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ये दिवस हैं। चले मैंने पूरा पेज ओपन कर लिया है। अब आप इन सभी जो डेज हैं उन्हें आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आएंगे बाद में भी। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।